हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जारी हुई है। ग्रुप डी के पीटी डेट में बड़ा बदलाव हुआ है, न्यू डेट जारी हो चुकी है। पीटी ब्लॉक डेट भी जारी की गई दोस्तों। इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक भी आज से एक्टिव हो चुकी है। न्यू डेट कब से आई है इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये देखिए, मैंने आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इस प्रकार से ओपन होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस नंबर 3 रिगार्डिंग फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट। दोस्तों, ये कल नोटिस आई थी नंबर 2 की, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस नंबर 2 रिगार्डिंग पीटी। इस प्रकार से ये आई थी दोस्तों। आज ये अपडेट हुई है दोस्तों, आज ही अभी ये नोटिस आई है, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस नंबर 3। जैसे ही दोस्तों इसको ओपन करते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यहाँ पर देखिए सीएन नंबर 1/2019 डेटेड 23/2/2019 से रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल नंबर 1 नोटिस नंबर 3 है दोस्तों। डेट दी हुई है 4/1/2023। दोस्तों, कल जो डेट नोटिस आई थी नोटिस नंबर 2 थी दोस्तों, आज ये नोटिस नंबर 3 है और ये 4/1/2023 में अभी अपडेट हुई है। नोटिस नंबर 1 दोस्तों 27 तारीख को, नोटिस नंबर 2 3/1/2022 को आई थी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिस नंबर 3 आ चुकी है, उसका रेफरेंस दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 देखिए दोस्तों, इन पार्टियल मॉडिफिकेशन ऑफ नोटिस नंबर 1 और 2 जो नोटिस है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। इट इज एडवाइज दी पीटी ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी नाउ बी कंडक्ट फ्रॉम 11/1/2023 टू 21/1/2023 इंक्लूडिंग 14/15/2023। यहाँ पर दोस्तों लिखा था, पहले जो नोटिस आई थी वो 10/1/2023 से स्टार्ट होने वाले थे पीटी, अभी दोस्तों 11/1/2023 से स्टार्ट होने वाले हैं और 21/1/2023 तक ये चलने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 14 और 15 को पीटी नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए दोस्तों, ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर इज गिवन बिलो एंड विल बी एक्टिव फ्रॉम टुडे इवनिंग। दोस्तों, ये इवनिंग आज ही की डेट में दोस्तों कहा गया है कि ये इवनिंग में जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। ये लिंक दी हुई है दोस्तों, कल भी एक लिंक दी हुई थी, काफ़ी छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका था, किसी का 10 जनवरी का पीटी डेट आई थी, लेकिन दोस्तों अभी ये नई लिंक जारी हो चुकी है दोस्तों। और उसके बाद काफ़ी छात्रों का यहाँ पर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों अभी कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा और ये लिंक दोबारा से जारी की गई है। तो दोस्तों, इस लिंक से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली ऑल दी इंस्ट्रक्शन इन दी कॉल लेटर एंड रिपोर्टेड एट दी वेन्यू एज पर दी शेड्यूल रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम एज इंडिकेट ऑन दी कॉल लेटर। दोस्तों, जो कॉल लेटर एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड करेंगे उस पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उसको केयरफुली आप पढ़ लीजिए और जो शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम का और डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पीटी कंडक्ट कराने के लिए जाना है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए दोस्तों, पीटी ऑफ कैंडिडेट हु रिमेन एबसेंट ऑन दी शेड्यूल डे विल बी कंडक्ट ऑन दी लास्ट डेट ऑफ पी टी 21/1/2023 at 11 hours। दोस्तों, ये लाइन कल भी कहा गया था कि जो छात्र यदि अपना जो शेड्यूल डे है उसमें पीटी कंडक्ट नहीं करा पाते हैं वो 21/1/2023 में पहुंचकर 11 बजे अपना पीटी कंडक्ट करा लें। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 कहा गया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगा, आपको आधार कार्ड लेके जाना है पीटी में, और यदि कोई आधार कार्ड लेकर नहीं जाता है तो दोस्तों उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, पीटी कंडक्ट नहीं होगा, पीटी में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट दी वेबसाइट रेगुलरी, जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरी विजिट करें दोस्तों पीटी, और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट से संबंधित आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये नोटिस देख सकते हैं आप, 4/1/2023 में आया है, अभी कुछ देर पहले ये नोटिस आया है दोस्तों। लिंक कुछ देर में एक्टिव हो जाएगी या दोस्तों अभी एक्टिव, शाम तक रात तक एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया था कि टुडे इवनिंग यहाँ पर लिख दिया था कि टुडे इवनिंग जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी, तो आप दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही लिंक एक्टिव होगी मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी के लिए धन्यवाद।